Los Brandon, welcome to our channel. The dost par MCU ke 3 phases complete ho chuke hain aur phase 4 ki pehli movie Black Widow ka teaser trailer bhi release kar diya gaya hai. Avengers Endgame Infinity Saga storyline ki aakhri movie thi jisme storyline puri tarah se complete ho gayi. Marvel Studios ki taraf se already phase 4 ki movies aur release dates ko reveal kar diya gaya hai. Lekin phase 4 mein koi bhi Avengers movie shamil nahi hai. Isi hawale se Kevin Feige ne kuch details diye hain. To kya hai wo details, aaiye dekhte hain. शैंगची की अपकमिंग मूवीज पर भी काम जारी है, जैसा कि मार्वल पहले ही अनाउंस कर चुका है. केविन फाइगी ने बताया कि इन सब मूवीज की स्टोरी लाइन आपस में जुड़ी रहेगी, जैसे कि हर एमसीयू फिल्म का दूसरी फिल्म के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है. केविन फाइगी ने मजीद कहा कि हम फिर इन सब सुपर हीरोज को यूनाइट करके फैंस के सामने लेकर आएंगे एक मास्टर प्लान में. तो दोस्तों, इस चीज की कंफर्मेशन तो हो गई है कि हमें फ्यूचर में एक बार फिर सुपर हीरोज का टीम अप देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने एंड गेम में देखा था. और पॉसिबल है कि इस बार ये टीम अप पहले से भी ज्यादा बड़ा हो. इससे पहले केविन फाइगी ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि एमसीयू का फ्यूचर मल्टीवर्स के लिए घूमेगा. तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस काफी इंपॉर्टेंट फिल्म होने वाली है फेज 4 की. इटर्नल्स फिल्म के बारे में भी एक कंफर्मेशन की गई है. इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स इन एक्शन नजर आएंगे और इनके ओरिजिन और बैक स्टोरी को भी दिखाया जाएगा. तो दोस्तों, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में हमने जितने भी सेलेस्टियल्स को देखा है, इनकी ओरिजिन और बैक स्टोरी इटर्नल्स मूवी में क्लियर हो जाएगी. प्लस हमें नोवेल की हिस्ट्री और ओरिजिन को भी दिखाया जाएगा. अभी तक एमसीयू में सिर्फ इतना ही कंफर्म किया गया है कि नोवेल एक सेलेस्टियल का कटा हुआ सर है. अब वो सेलेस्टियल कौन था और इसका नाम क्या था, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इटर्नल्स मूवी का. इटर्नल्स मूवी को नेक्स्ट ईयर 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. नेक्स्ट ईयर कई सुपर हीरो मूवीज और टीवी सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिनमें ब्लैक विडो, इटर्नल्स, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज, डीसी की वंडर वुमन 1984 और बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म भी शामिल है. तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.